अपराधियों के अंदर पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। मोहम्मद इम्तियाज आलम की रिपोर्ट। शहर से सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत में आए दिन कोई न कोई घटना को अपराधी द्वारा अंजाम दिया जाता है। यह खबर सहरसा तिवारी टोला के समीप की है, जहां जनता ने आक्रोशित होकर सड़क को किया जाम। वहीं बताया जा रहा है कि शंकर कुमार रजक की दुकान पर तीन बेखौफ अपराधियों ने सिगरेट पीने के लिए आए और शंकर कुमार रजक के द्वारा उन्हें सिगरेट पीने से मना किया गया, तो बेखौफ अपराधियों ने उन्हें धमकी देते हुए चले गए। फिर वापस आए तो उन्होंने दो फायरिंग किया, जिससे शंकर कुमार रजक बाल बाल बच गए। साथ ही लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि अगर शंकर कुमार रजक ना झुकते तो आज वह मौत के हवाले हो जाते। शंकर कुमार रजक कपड़ों में आयरन करने का छोटा मोटा दुकान करता है। यह घटना वार्ड नंबर 32 की है, जहां अपराधियों ने संध्या 5:30 बजे से 6 के बीच यह घटना को अंजाम दिया और अंजाम देते ही बेखौफ अपराधियों ने वहां से फरार हो गए, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने सहरसा से मधेपुरा जाने वाली मुख्य सड़क NH 107 को टायर जलाकर जाम किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे, जिससे सदर थाना को सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचकर आक्रोशित लोगों को दिलासा दिलाते हुए कहा कि आज जो भी अपराधी हैं उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और आक्रोशित लोगों ने पुलिस प्रशासन की यह बात सुनकर जाम को हटा दिया और प्रशासन बेखौफ अपराधियों के खिलाफ छानबीन में जुटी है। आगे देखिए वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं शंकर कुमार रजक। क्या घटना हुआ है, क्या है पूरा मामला बताइए। विक्की उनका ग्रुप का आदमी आया था, ठीक है, तीन लड़का सिगरेट पीने के लिए, वो सिगरेट पीने के लिए गया, उसको मना किए, रे बाबू जल्दी निकलो यहाँ पुलिस आता है, उसमें हमको गाली गुप्ता दिया, बोला क्या आते हैं बेटा तुम्हारा खोपड़ी खोल देते हैं, आया उधर से दो गोली चलाया, हम छिप गए, बस गोली निकला मेरे सर के ऊपर से। कौन लड़का कौन गोली चलाया है, वो गोली क्यों चलाया आप पर, कैसे कि तुम काहे ही बात बोला कि निकलो बाहर। क्या करते हैं आप? हम आयरन करते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम हुआ शंकर कुमार रजक।